हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 9 इंच की जो वॉल होती है, ब्रिक मेसनरी होती है, वो 100 स्क्वायर फीट के अंदर हमारी कितनी ईंटें लगती हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारी जनरली जो स्टैंडर्ड ब्रिक आती है, उसका लेंथ विड्थ हाइट ये रहती है। देखिए, मैंने आपको शो कर रखा है, इसमें 9 इंच इसकी लेंथ रहती है और 4.5 इंच इसकी विड्थ रहती है और 3 इंच इसकी हाइट रहती है। ठीक है, इसमें इसको मैंने एमएम में भी बता रखा है। ठीक है, और जो अपन इसमें मोटर यूज़ करते हैं, मसाला यूज़ करते हैं, वो आधा इंची का करते हैं, या 10 एमएम करते हैं या 12 एमएम करते हैं मैक्सिमम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम जो निकालने वाले हैं 400 स्क्वायर फिट। ठीक है, तो इसमें कितनी ईंटें लगेगी अपनी, अगर 10 फीट अपनी हाइट है दीवार की और 10 फीट उसकी लेंथ है और विड्थ उसकी 9 इंच हो जाएगी, तो इसमें कितनी ईंट लग जाएगी अपनी। देखिए, मैंने आपको यहाँ शो कर रखा है, अगर ब्रिक साइज अपन विद मोटार लेंगे तो उसके अंदर आधा आधा इंची अपना सभी साइड के अंदर मोटार ऐड हो जाएगा, तो 9 इंची वाला 9.5 हो जाएगा, 4.5 का 5 और 3 का 3.5। ठीक है, और ये अपना अगर अपन इसको CFT में कन्वर्ट करेंगे तो 100 स्क्वायर फीट, इसको फ्रेंड्स अपन CFT क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 स्क्वायर फीट अपना ये हो गया, विड्थ हो गई, इसको अपन 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये अपना 75 क्यूबिक फीट आ जाएगा, ब्रिक वॉल जो वॉल्यूम आएगा इसका अपना 75 क्यूबिक फीट आ जाएगा। अगर हम एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालेंगे तो इसको कैसे करेंगे, ये इसकी लेंथ विड्थ हाइट आ जाएगी, इसको सबको अपन 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक फीट में 12 इंची रहता है, इसका वॉल्यूम ये आ जाएगा 0.0962। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे तो इसके अंदर क्यूबिक फीट अपना कितना आया था, 75 आया था और एक ब्रिक का वॉल्यूम ये आया था, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 780 ब्रिक्स आपकी निकल के आ जाएगी 9 इंची वॉल के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हम 2% वेस्टेज लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का, अनलोडिंग का वर्क वगैरह करते हो समय टूट फूट जाती है। ठीक है, तो इसमें 2% और ऐड कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स,